गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी 8 बजने वाले हैं और दोस्तों हम हैं अपने बाज़ार पे। ये कुछ एडवर्टीज़मेंट है अपना पंजाब नेशनल बैंक का जो हमारे गांव में है। और ये हमारा बाज़ार दोस्तों, जैसा कि कल था सोमवार तो कल यहां पे बाज़ार था, अब शुक्रवार के दिन बाज़ार लगेगा। तो भाई बहुत सारे भाई हमसे पूछते रहते हैं आपके गाँव में कई बाज़ार लगता है, तो यहाँ पर 2 बाज़ार लगता है, एक सोमवार और एक शुक्रवार। और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होते हैं जो मेरे गांव से हैं, मेरे एरिया से हैं, जो बाहर रहते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो हमारे ये बाज़ार को देख करके काफ़ी मिस करते हैं अपने गांव को। दोस्तों बाज़ार के दिन यहां पे पूरा ये भरा रहता है दोस्तों। ये रोड आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा, बस थोड़ा सा बाइक जाने के लिए जगह मिलता है। ठीक है भाई, तो ये भाई के पास हम यहाँ आ गए हैं उसके साथ हिचाइकिंग करके, तो अच्छा लगा दोस्तों। ये सब सब लदा के मार्केट। दोस्तों हम बाज़ार पर से आ ही रहे थे, आप लोग देख रहे थे, और वो पीछे से भाई आया जो बाइक से, वो अचानक रोक दिया बाइक और बोल रहा था कि हम आपको जानते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, से कहाँ तक जाएगा। तो हम बोले यार बस आगे जाएंगे। तो वही भैया के जो दुकान है यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पर भैया का दुकान है, तो वो हमको बोला कि चलिए हम आपको पहुँचा देते हैं। तो यार हम तो उसको नहीं पहचान रहे थे, लेकिन वो भाई हमें पहचाना, वो बता रहा था कि आपका वीडियो हम देखते हैं। तो यार अच्छा लगा कि भाई पहचानते हैं, और इस वजह से वो हमें बाइक से यहाँ ला के छोड़ दिया, तो अच्छा लगा। वो भाई फिर चला गया अपना घर। उधर मेरा मिलिट्री फौजी भाई जो हैं वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं फायरिंग करने के लिए। अब कभी मौका मिलेगा तो फायरिंग करेंगे, तो आवाज़ या तो नज़दीक से थोड़ा जाकर हम ज़रूर दिखाएंगे। हम दोस्तों बंगला पर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। हम भैया के घर जगह से निकल गए हैं और पैदल दोस्तों जा रहे हैं, और जाना इधर है। इधर वो किस लिए बना रहे हैं दोस्तों कि लाइट उधर से इधर मारता है तो क्लीन आता है, अगर इधर से बनाते हैं दोस्तों तो ये देखिए काला काला टाइप आता है। तो अगर कोई रास्ते में मिल गया दोस्तों तो मैं हिचाइकिंग के जरिए मैं आगे जाऊंगा, यानी लिफ्ट लेकर के। तो देखते हैं दोस्तों कोई मिलता है तो फिर हम आप सबको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, इसलिए दोस्तों देखिए दोस्तों मशीनें काफ़ी भयानक होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े काम को करता है। तो ये बोलते हैं बंगला पर, तो इधर गई है दोस्तों डोभी तरफ और ये बहनदेव रोड चले जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कोई अगर मिल जाता है दोस्तों तो हम उससे लिफ्ट मांगेंगे और यहाँ से दोस्तों निकलेंगे, क्योंकि हमको अब जाना है दोस्तों ये वाली रूट में। तो देखते हैं, कोई तो अभी आ नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं, और नहीं तो मुझे लगता है वेट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं कोई आएगा तो ऐसे ही खड़े रह के समय बर्बाद होगा, उससे बेहतर हम आगे चलें। कि ऑटो वगैरह भी आती तो हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो भी भाड़ा लगता वो मैं देता, लेकिन इस रास्ते में बहुत कम है जो ऑटो आपको मिल पाएगी। दोस्तों फिलहाल तो हम रोड में हैं, देखते हैं अगर कोई मिलते हैं तो हम बैठकर चले जाएंगे। ये रोड देखिए दोस्तों गई है। तो दोस्तों एक बात आज कहेंगे, एक भाई का कमेंट था जो हम एक वीडियो में बोले थे कि मेरा बाल जो कट गया है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई वो बोले थे कि आप ऐसे भी अच्छा नहीं लगते हो, मतलब बोलने का जो तरीका था कि मतलब हम अच्छा लगते नहीं हैं ऐसे भी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं खुद अच्छा नहीं लगता हूँ यार देखने में, तो आप क्या कह सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं है, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो कोई बात नहीं यार, भगवान जो ही बनाया है तो मैं तो खुश हूँ, लेकिन इतना मुझे ही पता है कि मैं अच्छा उतना नहीं लगता हूँ। लेकिन एक भाई कमेंट करके बोले, हम बताए थे कि मेरा बाल कटवा लिया हूँ अपना, तो मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताइए। तो भाई का कहना था कि तुम अच्छा नहीं लगते हो, तो यार कोई बात नहीं है यार, भगवान ने जैसा बना दिया है हमें तो हम खुश हैं, और क्या चाहिए यार, बस हाथ पैर सब चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सबका अपना अपना सोच होता है, और हमारे भाई इतने सारे वीडियो देखते हैं और जिन्होंने ये कमेंट करके बोला उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि चलो अच्छी बात है मेरे भाई, आपने ये चीज़ तो बोला। बाकी रास्ते में देखिए काफ़ी लंबा रास्ता है दोस्तों, और देखता हूँ कोई तो आ नहीं रहा है, और जैसा कि हम बता रहे हैं अभी भी कि ये रास्ता बिल्कुल सन्नाटा होता है। इसी और हम बोलना चाहेंगे, दशहरा अभी चल रहा है, तो कैसा है आप लोग का यहाँ, क्या व्यवस्था हो रहा है, दशहरा कैसे आप लोग मना रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके गाँव में या मोहल्ला में दुर्गा पूजा कैसा मनाया जा रहा है, मूर्ति वगैरह बैठाया गया है या नहीं, पूजा कहाँ कहाँ हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस बार दुर्गा पूजा में क्या सेलिब्रेशन होने वाला है, क्या प्रोग्राम है, या कैसे मनाएंगे आप, मेला लगता है या नहीं आपके गांव में मोहल्ला में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारे भाई को, जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं, जितने हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, मैं उन सभी को दशहरा की
ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहें, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दशहरा का जो ये पूजा है वो आपका पूरा लाइफ हमेशा खुशमय रहे और आपको अच्छा करें। और भाई को साथ साथ आप लोग भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। दोस्तों देखिए, ये रोड के किनारे हम दिखाना चाहेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या खूबसूरत पेड़ है, वाह क्या बात है। दोस्तों आप लोग बताइएगा ये कौन सा पेड़ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए दोस्तों देखिए, हम रोड में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पत्थर है, ये कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है तो इसको हमको हटा देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कोई भी अचानक अगर स्पीड गाड़ी से आएगा और किस तरह चक्के के अंदर अगर चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए रोड, तो ये गलत है दोस्तों, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों उसको हम बिक दिए हैं पत्थर को, क्योंकि अगर कोई अचानक कोई फैमिली गाड़ी से अगर आए और किसी तरह का उसको दिक्कत हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग को इतना तो छोटा सा काम कर देना चाहिए। तो ये यूनिक चीज़ आप लोग को एक दिखाते हैं। हम रोड पर दोस्तों चल रहे थे, आप देखिए दोस्तों ये कुआँ है एक यहाँ पे, और ये कुआँ में दोस्तों बर का पेड़ है, क्या बात है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये देख लीजिए आप, और ये जो बर का पेड़ है ये बिल्कुल कुआँ में है, क्या बात है दोस्तों। देखिए आप देखिए ये कुआँ है पूरा चारों तरफ से, और बीच में देखिए दोस्तों बर का पेड़ है। आपको हम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए ये पूरा फुल कुआँ दिख रहा है आप लोग को। देखिए अजीब अजीब देखने को मिलता है लाइफ में दोस्तों। तो आप देखिए ऑलरेडी कुआँ है और इसमें बर का पेड़ है। दोस्तों ये है कुआँ, और हम लोग गाँव में बोलते हैं 20 फिट्टा कुआँ बोलते हैं दोस्तों, उसी प्रकार है बना हुआ। और देखिए कुएँ में ऑलरेडी दोस्तों आप देख लीजिए, बीच कुएं से निकला है ये बर का पेड़, ये देखिए, और इसमें पानी भी भरा हुआ है दोस्तों उतना ही। डर लग रहा है दोस्तों हमको, इतना बाहर में फिर भी डर लग रहा है, देखिए आप। और ये पेड़ एकदम बिल्कुल कुआं में है दोस्तों, क्या बात है, ये अद्भुत चीज़ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कुआं के अंदर में एकदम है, और पूरा पानी भी भरा हुआ है दोस्तों। अगर पानी आपको नज़र आ रहा होगा तो देखिए पूरा काला काला दिख रहा होगा आप लोग को, हालांकि पूरा पानी भरा हुआ है और पेड़ अंदर से ही आया है। और ये देखिए बर का पेड़, तो ये दोस्तों बिल्कुल अद्भुत हमको देखने में लगा, और डर लग रहा है इस चीज़ को देख के। अब दोस्तों हम यहाँ से दिखा देते हैं, देखिए बिल्कुल फुल्ली पेड़ एकदम कुआं में से निकला है। इस जगह पे लोग बोलते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन ये क्या सच है, हमारा साइंस है, हमारा जो विज्ञान है वो ये तो नहीं मानता है, लेकिन गांव में लोग कुछ होते हैं जो आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हालांकि ये सही है या गलत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, जितने जिनके भाई के पास ऐसा अगर ज्ञान है कि अगर आप देखे होंगे कि कहीं पे एक पीपल का पेड़ है उसमें बर का पेड़ रहेगा, कहीं पर अब देखिए यहाँ पर कुआँ में था और कुआँ में बर का पेड़ है, और बिल्कुल फूल एकदम कुआँ से निकला है बर का पेड़, तो लोग यहाँ पर मानने लगे हैं कि देवी देवताओं का ऐसा कुछ जगह है यहाँ पे। तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। और इधर जाने वाला हम अभी तक कोई मिला नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली रूट जाती है इधर, और ये जाती है इधर, और एक ऑटो आ रही है लेकिन हम जाएंगे इधर, तो इधर तो जाना नहीं है लेकिन देखते हैं। तो ये ऑटो उधर चल जाएगी, तो ये वाला भाई हमारा ऑटो उधर चला गया, हमको जाना है इधर, तो अब पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं मिला अब तक, तो चलते हैं दोस्तों अब हम आगे। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि हमारे एरिया में आपको पेड़ पौधे बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधा दिखता है, लेकिन अगर आप मेरे इलाका में देखें तो बिल्कुल आपको जंगल जैसा महसूस होगा। और यहाँ पे ये सिर्फ नहीं लगा कि सिर्फ जंगल ही जंगल है, यहाँ पर सारे चीज़ें हैं, रोड है तो बिजली है तो जंगल एरिया भी है, और घर भी है, क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इधर भी देखें तो खाली देखिए खजूर का पेड़ मिलेगा, तो और उधर साइड में ही मिलिट्री हमारे फौजी लोग आए हुए हैं, तो ये जगह इस टाइप से है कि आपको स्पेस भी काफ़ी दिखेगा। और देखिए इधर आप देख सकते हैं काफ़ी तार आपको दिखेगा। तो हम बिल्कुल आ गए हैं दोस्तों अपने खेतों की ओर आज, और काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों हम खेत तरफ आए हैं, इसलिए कि जब से धान रोपाया था दोस्तों मोरी कवर रहा था तब से हम वीडियो बना बना करके आप लोग के बीच ला रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं धान बिल्कुल हो गया है दोस्तों। आप देखिए ये धान बिल्कुल, देखिए दोस्तों धान बिल्कुल हो चुका है, ये काफ़ी अब लगभग
कटने ही वाला है, कुछ दिन बाद कट ही जाएगा, मतलब धान क्लियर हो चुका है ऑलरेडी दोस्तों। तो हम यही कहेंगे कि देखिए ये हमारा खेत का इलाका है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक तालाब है दोस्तों। ब्लॉग को हम पूरा नहीं कर पाए थे, बिल्कुल शाम हो गया था दोस्तों, खेत तरफ घूमने चले गए थे, तो अब हम ब्लॉग को करेंगे अंत। और दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में। और हाँ, आप लोग से कहना भूल गए थे कि भैया हमारे बाहर जो प्रदेश गए थे वो वहाँ पहुँच गए हैं, आज 2 बजे दिन में बात किए थे तो वो सो रहे थे, बोले कि ट्रेन में लंबा सफ़र लगभग 48 घंटे का किए थे तो वो थके हुए थे, सो रहे थे, बोले हम पहुँच गए हैं और कल से ड्यूटी पर जाएंगे। तो दोस्तों भैया पहुँच गए, अब हम मिलते हैं कल नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपना मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।